हाय, वेलकम ऑन अनअकैडमी। दिस इज संदीप कुमार और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेंस जीके को और देखेंगे कि डिफेंस से रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। और जस्ट एक बार मैं साउंड जो है वो चेक कर लेता हूँ। ओके, सो साउंड आपके पास बिल्कुल क्लियर है। सो आई होप कि आज का जो हमारा सेशन रहेगा इससे आपको डिफेंस से रिलेटेड जो जीके के क्वेश्चन होते हैं उनको करने में काफी ज्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाली है। तो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा साउंड जो है वो आपकी तरफ से क्लियर होगी नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा एंड साथ साथ में कमेंट करते जाइएगा। जो भी आपको साउंड में अगर कुछ प्रॉब्लम लगे तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए, सो थोड़ा सा हम वेट करेंगे कि अगर किसी ने लाइव आना हो तो वो लाइव आए एंड देन हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। काफी इंपॉर्टेंट सेशन हमारा आज का है जहाँ पे हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं डिफेंस से रिलेटेड और कुछ यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं आपके पास रखने वाला हूँ। एंड देन लास्ट में अगर हमारे पास टाइम रहता है तो हम एक सब्जेक्टिव वे में भी कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे डिफेंस के। तो दो तरह से क्वेश्चन करेंगे हम। एक होगा हमारा ऑब्जेक्टिव, शुरू में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं एंड देन अगर टाइम रिमेनिंग रहता है देन हम करने वाले हैं हमारे सब्जेक्टिव वाले। और धर्मवीर जी हमारे साथ हैं। वेरी गुड इवनिंग धर्मवीर जी। और धर्मवीर जी बोल रहे हैं कि आई एम In second year BSc, how to prepare for CDS and AFCAD, please tell me. Okay, so एक तो इसी चैनल पे धर्मवीर जी मेरी तरफ से आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो मिलेगा, आप एक बार जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ये जो क्लास होगी वो 11th को होगी, ठीक है, 11th दिसंबर को हमारी एक स्ट्रेटजी क्लास होगी जहां पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। उसमें मैं सभी को कवर करूंगा, चाहे आप फ्रेशर हैं चाहे आप रिपीटर हैं, आपको मैं कवर करूंगा चाहे आप अभी फाइनल ईयर में प्री फाइनल में है कि कैसे आप प्रिपेयर करें। और एज ऑफ नाउ वन लाइन सजेशन, बिकॉज आज हमने डिफेंस जीके करने हैं तो हमारा मेन टॉपिक कुछ और है। तो एक बार फिर से मैं कहता हूं आपने उस क्लास में जरूर आना है। एंड अभी मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप सेकेंड ईयर में है तो आपको बस बैलेंस बनाकर चलना है अपनी कॉलेज की जो स्टडी है और अपनी जो डिफेंस से रिलेटेड यानी कि जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है उस स्टडी को। तो आपको बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है कि आप सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए डाइवर्ट हो जाए और उस तरफ अपने स्कोर को कम कर दें। नहीं, आपको डाइवर्ट नहीं होना है, बट आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते रह सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अनअकैडमी प्लस के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, देन फिर हम आज के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। मुकेश जी हमारे साथ हैं। सो हेलो मुकेश जी, वेरी गुड इवनिंग। ओके, सो सबसे पहले जो है अगर आप डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, इवन आप अदर देन डिफेंस भी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अलग अलग तरह से। बस जो आज के टाइम पे आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा प्रिपेयर करने का, जहां पे आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी वो होगी अनअकैडमी प्लस, जहां पे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती हैं, पीडीएफ मटेरियल मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है उसी सिंगल सब्सक्रिप्शन सिस्टम में। तो आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन सिस्टम होगा, आप उसके थ्रू सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं और उतने टाइम के लिए आप सारी की सारी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ मटेरियल एंजॉय कर सकते हैं। डिफेंस कैटेगरी में अगर मैं आपको बताऊं, बिकॉज मैं डिफेंस कैटेगरी में आपको पढ़ा रहा हूं, तो अगर आप सीडीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने अगर एफकैट एग्जाम देना है, ठीक है, और अगर आपका सीएपीएफ का एग्जाम है, ठीक है, इवन आपने आईएनईटी का एग्जाम देना है, मैं आपको एग्जाम्स बता देता हूँ कौन कौन से हैं, और सीपीओ का एग्जाम भी हमने इसमें ऐड कर दिया हुआ है, टीए का एग्जाम है, इन सभी के साथ साथ अगर आप एसएसबी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इन सभी के साथ साथ अगर आप एसएसबी भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो है आपको करना क्या है, ठीक है, डेफिनेटली जो है उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी प्लस पे आना है। वहां पे हमारी डेली क्लासेस चलती हैं इन सभी रिटर्न और एसएसबी की क्लासेस के लिए। 35 से ज्यादा एजुकेटर हैं एज ऑफ नाउ जो आपको अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहे हैं, 35 से ज्यादा एजुकेटर हैं और रेगुलर कोर्सेज चलते हैं। इंडिविजुअल कोर्स अलग चलता है, यानी कि आपने एक ही टीचर के पास काफी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उनका अलग अलग कोर्स होगा और एक कंबाइंड कोर्स होगा जिसमें सारे टीचर मिलकर पढ़ा रहे हैं। तो सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, आपको अलग अलग से नहीं देखना है कि कहां पे क्या मिलेगा, वो एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ कवर हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत ही मिनिमम प्राइस में, ऑफलाइन कोचिंग से बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं, प्राइजेस बहुत कम है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे ऑफलाइन कोचिंग के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे फोर्सफुली नहीं है कि सभी को बाय करना है, वो आपको अच्छे से पता होगा कि आपकी कैपेबिलिटीज किस तरह से हैं। अगर आपको लगता है कि बाय करना है देन फिर आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, ठीक है। और मुकेश जी हमें कह रहे कि आप डेली लाइव क्लास करते हैं क्या यूट्यूब पर या फिर अनअकैडमी प्लस?
अनअकेडमी प्लस पर डेली दो दो क्लासेस होती है मेरी, और वैसे मेरी एक फ्री क्लास होती है जो हफ्ते में 2 दिन जो है वो यूट्यूब पर होती है, एंड जो हमारे पास 2 दिन वो क्लास जो 4 दिन क्लास होती है वो अनअकेडमी पे होती है। शिवराज जी कह रहे हैं कि आपने ग्रुप में गलत लिंक शेयर कर दिया है, वो लिंक है जीके डिफेंस क्वेश्चंस और आप यहाँ लाइव हो। हाँ तो वो फिर मैं उसी क्लास के लिए लाइव हूँ फिलहाल, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ शिवराज जी। ठीक है, मैं उसी कोर्स के लिए ही, उसी क्लास के लिए ही लाइव हूँ, हमने डिफेंस क्वेश्चंस ही करने हैं, तो वो बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, और तब तक जो है आगे जो है अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारे कोर्सेज चले हुए हैं जो आपके जनवरी तक मिलेंगे, उसके आगे भी रेगुलर कोर्सेज मिलेंगे, तो बहुत सारे कोर्सेज जो है डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे, और आप जो है डेफिनेटली वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, सो वो लिंक कोई और क्लास खुल रही है। ओके, अच्छा वो लिंक से कोई और, चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं दूसरा लिंक शेयर कर दूंगा जहां से फिलहाल मैं लाइव हूँ, और देन मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सीएपीएफ का भी विपिन जी फुल कोर्स चला हुआ है, ठीक है, सीएपीएफ का भी फुल कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन में कोड यूज कर सकते हैं करियर स्टडी डिफेंस डैश 7179, 10% का आपको ऑफ मिलेगा, प्लस आपके पास फ्री लेसन देख के अनअकैडमी पे क्रेडिट मिलते हैं, वहां से भी आप 10% यूज कर सकते हैं, तो 20% आपको टोटल जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं कि मिल जाता है, जो टोटल आपको डिस्काउंट है। ओके, तो आई थिंक ये मैंने पहले अलग लिंक शेयर कर दिया था, 20 मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। ये तो क्लास की हेडिंग तो कुछ और आ रही है, और हमने क्लास लेनी है डिफेंस क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए सॉरी, तो आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आज की क्लास जो है वो डिफेंस क्वेश्चंस ही है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग फिलहाल स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं, एंड मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि जो चीजें हैं। ओके, तो जस्ट वेट अ वाइल। ओके चलिए, तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में ये जो हेडिंग है ये मिसमैच हो गई है, हमारी जो आज की क्लास है ये हमारी 20 डिफेंस क्वेश्चंस के ऊपर होनी थी, बट थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कि क्लास अलग लॉन्च कर दी है और मैं जो है अलग क्लास के साथ फिलहाल आ रहा था। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कंटिन्यू करते हैं, इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे जिनके पास आप पढ़ सकते हैं डेफिनेटली, और साथ में आपको जो बेनिफिट्स हैं इस तरह से मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें प्राइसिंग प्लान की, तो अराउंड आपके पास 1600 जो है 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, अगर आप 3 मंथ लेते हैं तो 4000 के अराउंड ये मिलता है आपको, 6 मंथ के लिए 6000 के अराउंड है, 12 मंथ के लिए 8000 के अराउंड है, थोड़े कम हो चुके हैं प्राइसेस, एंड 24 मंथ के लिए 12000 का आपको मिल जाएगा। इसमें भी आप यूज कर सकते हैं करियर स्टडी डिफेंस डॉट कॉम डैश 7179, एंड 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पे, क्योंकि जो टॉपिक की हेडिंग है जो मुझे सेंड की गई थी वो कुछ और थी आज की हमारे पास, तो आज की जो मेनली हमारी टॉपिक की हेडिंग है वो लिख दी हुई है 20 मैथमेटिक्स क्वेश्चन। ओके, सो ओके, तो मुझे बताएंगे एक बार, कमेंट कर देंगे जल्दी से, ठीक है, कि फिलहाल जो है आप मैथमेटिक्स क्वेश्चंस जो हैं वो करना चाहेंगे, या फिर हम आज डिफेंस के ही क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, आज हम डिफेंस के क्वेश्चंस कर लेते हैं, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम मैनेज कर लेंगे नेक्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक बार आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है, एक बार मुझे आप कंफर्म कर दीजिए कि आगे जो है हम किस तरह से बढ़े, सो दैट की। ओके, श्यामक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सो वेरी गुड इवनिंग श्यामक जी, वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो थोड़ा सा आज प्रॉब्लम ये हो चुका है, डिफेंस जीके करना है। ओके, तो मेनली आप डिफेंस जीके करना चाहेंगे, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं कि ये प्रॉब्लम किस तरह से हुई। रंजना जी हमारे साथ हैं, वेरी गुड इवनिंग रंजना जी। ओके, तो जस्ट 1 सेकेंड मैं एक बार चेक कर लेता हूं, एंड देन फिर हम कंटिन्यू करते हैं। नमस्ते संजीव जी, कैसे हैं, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग।
और मैंने स्ट्रीम की तो सही ली थी। ओके चलिए, डिफेंस जी की करना है। संजीव जी नहीं, आपको कहाँ भूल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको कहाँ भूल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सेशन शो हो रहा है जहां पे लिखा है रीजनिंग क्वेश्चंस। ओके चलिए, हाँ स्टार्ट करते हैं गौरव जी फिलहाल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में मुझे थोड़ा सा ये टीम ने कंफ्यूज कर दिया कि तीन क्लासेस शो हो रही हैं। ओके, लिंक शेयर कर दिया शिवराज जी, थैंक यू शिवराज जी। ओके, तो एक बार मैं यहाँ पे सभी को अपडेट कर देता हूँ जो अभी जुड़े हैं। आज की हमारी जो क्लास थी वो एक्चुअल में 30 डिफेंस क्वेश्चंस थे। थोड़ा सा मिसमैच कर दिया हुआ है, तो आई होप कि आप उसको कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं जीके क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जीके क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करते हैं, तो जो प्रॉब्लम होगा वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, नहीं गौरव जी आपको कहाँ भूलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिफेंस जीके से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिलहाल जो है टाइम हमारा जो काफी हो चुका है और मैंने जो है क्लास आज डिफेंस जीके रखी थी। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो है, ठीक है, सबसे पहले जो है डिफेंस जीके करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप आंसर करिएगा जल्दी से, और अगर हमारे पास टाइम रिमेनिंग रहा, यानी कि जिस तरह से हम चलेंगे, तो लास्ट में हम कुछ डिफेंस सब्जेक्टिव वे में भी करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, तो चेक करेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा एज इट्स स्लोगन। हाँ बिल्कुल संजीव जी, 5,000 चिराग जलाने हैं, बिल्कुल। और लेकिन आज गड़बड़ी ये हो गई कि क्लास की हेडिंग कुछ और लिखी है और मैं टॉपिक कुछ और लेकर आया हूँ, बिकॉज जैसा हमने डिसाइड करा था। तो लेट्स सी जो भी पॉसिबिलिटी बनती है फिलहाल। ओके, क्लास जो है 1 घंटे की है, 10 बजे तक चलेगी, बिल्कुल। तो पहला हमारे पास आंसर आया है आयुष जी का, और आयुष जी आंसर कर रहे हैं कि हमारे पास क्या आंसर होगा, डी आंसर होगा। ओके, और बाकी भी बताएंगे। ये जो स्लोगन है ये किसका स्लोगन है? ठीक है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ओके, तो यहां पे डी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है, ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे कमांडोज हैं उनका ये स्लोगन है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सही आंसर आपका क्या होना है, डी आंसर होना है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, और लास्ट में मैं एक्सप्लेनेटरी वे में भी इसको डिस्क्राइब कर दूंगा आपको। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली चीफ ऑफ एयर स्टाफ टू बी गिवन द रैंक ऑफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ऑनली एक पर्सन ऐसे हुए हैं जिनको चीफ ऑफ एयर स्टाफ से मार्शल ऑफ एयर इंडियन एयरफोर्स बनाया गया, तो वो कौन है? तो बताएंगे जरा। अर्जन सिंह है, सुब्रतो मुखर्जी हैं, पीसी लाल हैं, या ओपी मेहरा हैं? तो बताएंगे क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे। ओके, ए आंसर आ रहा है। 100 करोड़ भारतीय भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बिल्कुल राकेश जी। सो वेरी गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अर्जन सिंह। ओके, सो दैट्स ग्रेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अर्जन सिंह। अर्जन सिंह जो है ये एक्चुअल में पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, और ये जो है, ठीक है, इनको मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स बनाया गया था, सबसे पहले बने थे ये जो फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने थे। तो अर्जन सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, इंद्र सीरीज ऑफ एक्सरसाइज आर ज्वाइंटली हेल्ड बाइनियली इन द इंडियन ओशियन बाई इंडिया एंड विच कंट्री। विभोर जी हमारे साथ हैं, वेरी गुड इवनिंग विभोर जी, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? इंडिया जो इंद्र सीरीज जो है वो किस किस के बीच में है, इंद्र सीरीज?
बताएंगे जरा मुझे। ओके ओके, ए और बी और सी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ठीक है, सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना है आपका? ए आंसर करेक्ट होना है रसिया, इंडिया और रसिया के बीच में इंद्र सीरीज, ठीक है, बाइनियल एक्सरसाइज है ये, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्प्स डील्स विद द सप्लाई ऑफ वेपनरी एंड एमुनेशन टू द इंडियन आर्मी? हाँ, जैकेट मोड ऑन है विभोर जी, बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक बार मुझे बता भी दीजिएगा अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगा। ओके, आई थिंक फाइन है। ओके okay. ए आंसर आ रहा है सभी का, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स। ओके, बाकी कोई आंसर किसी का? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉप्स डील्स विद द सप्लाई ऑफ वेपनरी एंड एमुनेशन टू द इंडियन आर्मी? कौन सी जो कॉप्स है वो डील करती है एमुनेशन की सप्लाई के साथ? सो करेक्ट आंसर क्या आना है आपका? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे आएगा, नेटवर्क में प्रॉब्लम ना हो के, अगर जिंदगी में प्रॉब्लम हो तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं विभोर जी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आना है आपका ए, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स। तो ये जो है ये वेपन्स के साथ डील करती है। यहाँ पे कुछ और कॉप्स हैं, फर्स्ट वाला लिंक काम नहीं कर रहा था। ओके, हाँ सुमित जी, वो डेफिनेटली वो थोड़ी प्रॉब्लम थी, सो लेट्स सी जो भी पॉसिबिलिटी बनती है। अभी तो अभी मुझे एक और डाउट है कि 3 क्लासेस के लिंक मुझे सेंड कर दिए हैं, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अभी ये वाला लिंक आप शेयर कर लीजिएगा सभी के साथ, क्योंकि मैं हर जगह पे शेयर नहीं कर पाया, वैसे शिवराज जी ने शेयर कर दिया था। ओके, सो सेकंड हमारे पास जो आर्मोर्ड कॉप्स है, ये जो है ये डील करती है टैंक से रिलेटेड, यानी कि टैंक का जो भी रख रखाव है वो यहाँ पे होगा। एंड आर्मी सप्लाई कॉप्स जो है ये फ्यूल एंड केमिकल्स, ठीक है, फ्यूल एंड केमिकल सप्लाई करती है। और जो हमारे पास ईएमई है, ठीक है, ये हमारे पास डील करती है डिजाइन के साथ, ठीक है, डिजाइन के साथ डील करती है। तो ये हमारे पास कुछ कॉप्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट रैंक इन आर्मी ऑफ द नेवल रैंक ऑफ कैप्टन? क्या ही कर सकते हैं, वाह। हाँ विभोर जी, नहीं डेफिनेटली वो भी करेंगे जो भी आपका कमेंट होगा। आपको कमेंट शो होने 15 सेकंड का डिले हो रहा है। हाँ लगभग कुछ डिले हो रहा है एक्चुअल में, शिवराज जी कुछ डिले तो यहाँ पे हो रहा है। ओके, सो ये बताएंगे, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या आना चाहिए। YouTube में डिले होता है, हाँ, ब्रिगेडियर ए, कर्नल, ब्रिगेडियर मेजर या फिर कैप्टन, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ओके, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? कर्नल होगा, ठीक है। जो आर्मी सॉरी जो नेवी में कैप्टन का रैंक है वो आर्मी में कर्नल के रैंक के बराबर होता है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द चीफ ऑफ आर्मी एट द टाइम ऑफ इंडो पाक वॉर ऑफ 1971? ठीक है, तो ये बताएंगे आप मुझे, ट्राई करेंगे जल्दी से। जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1971 में, तो इंडियन आर्मी के चीफ कौन थे? विभोर जी बोल रहे हैं कि ये कैसे पता चला, कौन सा विभोर जी?
वो मैं लास्ट में आपको ना सब्जेक्टिव वे में भी बता दूंगा, वैसे तो हमारी एक क्लास हो चुकी है इसके ऊपर भी। और जो अनअकैडमी पे नहीं होंगे, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा। मंडे को डिफेंस जीके का पार्ट 2 होना है, पार्ट 1 वहां पे हो चुका है। स्पेशल क्लासेस जो हो चुकी हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है? तो आपको सारी क्लासेस मिल जाती हैं, तो वो भी मिल जाएगी आपको क्लास, तो ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आ रहे हैं फील्ड मार्शल मानिक शाह जी, बिल्कुल सही आंसर है। सो यहाँ पे तो आई थिंक सभी को याद ही होगा, तो फील्ड मार्शल जो मानिक शाह जी हैं वो थे चीफ ऑफ आर्मी एट द टाइम ऑफ इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। तो ये आपके पास सही है। हाँ बिल्कुल रंजना जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट इंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स, नेवल रैंक कैप्टन वाला। हाँ बिल्कुल विभोर जी, बिल्कुल नेवल रैंक जो कैप्टन है वो आर्मी रैंक कर्नल के बराबर है। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट इंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स, देन जो उस टाइम की इंडियन एयरफोर्स थी यानी कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स 1932 में, तो कौन सा जो एयरक्राफ्ट है वो इंडक्ट किया गया था, तो बताएंगे जरा, ठीक है? बताएंगे क्या आना चाहिए यहाँ पे। हाँ ओके, विभोर जी बोल रहे हैं ये नहीं। अच्छा, ये हमें कैसे मालूम चला, ये पढ़ के पता चलता है विभोर जी। ओके, सेवंथ का बी हो सकता है। ओके, तो बी बिल्कुल सही है, ठीक है। वेस्टलैंड वापिती जो है ये पहले एयरक्राफ्ट थे, सबसे पहले एयरक्राफ्ट थे जो इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किए गए थे, ठीक है। और ये बनाए किसने थे, ठीक है, ये जो एयरक्राफ्ट है ये वेस्टलैंड एयरक्राफ्ट कंपनी है, उन्होंने बनाए थे, जो मैन्युफैक्चर्ड बाय वेस्टलैंड एयरक्राफ्ट। और इस जो एयरक्राफ्ट की स्पीड थी 207 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी मैक्सिमम, और ये 2 सीटर था, 2 लोग उसमें बैठ सकते थे, फर्स्ट एयरक्राफ्ट जो था, ठीक है। और ये जो है नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र गैलेंट्री अवार्ड। तो पहले रेसिपिएंट कौन थे परमवीर चक्र के, तो फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र, ओके, तो ए एंड सी आंसर आ रहे हैं, ठीक है। ए एंड सी, लांस नायक अल्बर्ट एक्का और हवलदार अब्दुल हमीद मेजर शैतान सिंह या फिर मेजर सोमनाथ सर। डी लग रहा पता नहीं क्यों विभोर जी, बस जो आपको लग रहा है वही सही है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वो पहले परमवीर चक्र विजेता थे, तो आपके पास आ जाएगा डी, मेजर सोमनाथ शर्मा। और इनको कब मिला था, ये 3rd of November 1947 को मिला था, ठीक है, 3 नवंबर 1947 को इनको ये परमवीर चक्र मिला था। एज ऑफ नाउ अभी तक 21 बार ये परमवीर चक्र दिया जा चुका है। आपको पता है कि सर्वोच्च जो है, ठीक है, सर्वोच्च सम्मान है ये सेना का, अगर वॉर टाइम की बात की जाए, वॉर टाइम में सेना का सबसे बड़ा सम्मान परमवीर चक्र ही है। और ये 21 बार दिया जा चुका है, जिसमें से 14 लोगों को शहीद होने के बाद मिला है और बाकियों को जो लाइव मिला, तो ये बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो है, अगर क्वेश्चन आता है कि साथ में आप मुझे ये बताएंगे तब तक कि पीस टाइम पे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होगा पीस टाइम पे, एंड साथ में 9th क्वेश्चन आपके पास ये है, लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष टोमी ऑफ द इंडियन नेवी बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट अ सोलो अनअसिस्टेड नॉन स्टॉप सरकम नेविगेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 2013, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वेसल यूज्ड बाय हिम।
हाँ बिल्कुल सही होता है। हाँ तो पीस टाइम पे क्या होता है, अशोक चक्र हाईएस्ट होता है। वेरी गुड। तो क्वेश्चन आपके पास है कि लेफ्टिनेंट कमांडर जो अविनाश टोमी है, ठीक है, वो पहले इंडियन बने जिन्होंने एक सोलो किया, यानी कि वर्ल्ड का नेविगेशन किया उन्होंने एक शिप के थ्रू, तो बताएंगे फिलहाल। हाँ बिल्कुल, 20 आर्मी वालों को और एक एयरफोर्स वालों को। वेरी गुड रंजना जी। तो अनअसिस्टेड यानी कि किसी की हेल्प नहीं उन्होंने ली, नॉन स्टॉप सरकम नेविगेशन था पूरे वर्ल्ड का। 2013 में उन्होंने वो किया, मतलब एक पार्टिसिपेशन था एक तरह से ये इवेंट। और इन्होंने कौन सी शिप का यूज, वेसल का यूज, शिप तो नहीं बोल सकते, वेसल का यूज यूज किया। सो दिस इज INSV महादेव, ठीक है, INSV महादेव, इसमें उन्होंने ये सोलो किया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट, एक्चुअल में ये भी इम्पोर्टेंट है, INSV जो महादेवी है ये वेसल थी। और इसके अलावा जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन है कि इंडिया के पहले ये पर्सन बने थे, ठीक है, इंडिया के पहले ये पर्सन बने थे जिन्होंने फर्स्ट सोलो अनअसिस्टेड एक सरकम नेविगेशन किया था पूरे वर्ल्ड का 2013 में। लैग हो रहा है, और भी हो रहा है लैग किसी के पास, एक बार बता दीजिएगा। हाँ थोड़ा सा नेटवर्क मुझे लग रहा है बीच बीच में, क्लियर है आई थिंक। ओके नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट वाज द नेम गिवन टू द ऑपरेशन कंडक्टेड बाय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन 2008 अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक इन ताज होटल मुंबई। ओके सो ए आंसर आ रहा है। ओके बिल्कुल सही आंसर है। तो दिस इज ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो जो है ये आपका ऑपरेशन था जो NSG कमांडोज ने चलाया था 2008 में जब ताज होटल पे हमला हुआ था। वेरी गुड। सो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज द नेवी डे सेलिब्रेटेड। तो नेवी डे किस डेट को सेलिब्रेट होता है? सी आंसर आ रहा है। ओके ओके तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, December 4 को सेलिब्रेट किया जाता है डेफिनेटली। और इसमें भी आपके पास फर्स्ट जो है वो आर्मी डे है, दूसरा जो है वो एयरफोर्स डे है, और तीसरा जो है वो नेवी डे है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से है। वैसे जो फरवरी 1 जो है, फरवरी 1 को हमारी नेवी बनी थी अराउंड 1776 में, ठीक है, काफी पहले, बट उस डे को हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हम सेलिब्रेट करते हैं जो हमारे पास 4 दिसंबर है, इसको हम नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट इज द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। अब कुछ यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाँ आज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे भी है, तो आप सभी को शुभकामनाएं फ्लैग डे की। एंड व्हाट इज द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की टर्म कितनी है? कल्याण जी, डिफेंस के जितने भी एग्जाम हैं, इवन पैरामिलिट्री के जो एग्जाम्स हैं, तो उनकी स्ट्रेटजी की वीडियो हमारी क्लास पूरी एक क्लास होगी 11 तारीख को, ठीक है, 11 तारीख को क्लास होगी, तो उसमें मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है कल्याण जी, टोटल चीजें बताऊंगा आपको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डी, डेफिनेटली
5 साल की टर्म होती है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की, तो आपने याद रखना है 5 साल। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ टू हैव डाइड व्हाइल इन ऑफिस। ओके, सो कौन से सेक्रेटरी जनरल थे यूएनओ के जो डाई इन हार्नेस बोल सकते हैं, जिनकी ऑफिस में डेथ हुई, मतलब ऑफिस होल्डिंग के टाइम पे डेथ हुई। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे का बताना कुछ क्या हिस्ट्री है, मतलब क्यों बनाते हैं इस दिन को। हाँ, हिस्ट्री विभोर जी, एक्चुअली में फ्लैग डे से रिलेटेड ही, यानी कि जब फ्लैग डे की बात हो रही है, ठीक है, तो हमारा जो फ्लैग है इसको इंडक्ट करने के लिए मनाया जाता है, और इसके पीछे मतलब कुछ ऐसे और कोई रीजन नहीं है, मतलब कुछ ऐसा कुछ खतरनाक वाला रीजन, तो सिंपल ही बात है। ओके, ये वाला नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका डैग हैमरस्कॉल्ड। ठीक है, डैग हैमरस्कॉल्ड जो है ये ओनली पर्सन थे यूएनओ के, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल, जिनकी डेथ हो गई थी वाइल इन ऑफिस। ओके, सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ईयर वाज द यूएनओ अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज। तो यूएनओ को नोबेल पीस प्राइज कब मिला था, तो ये बताएंगे। खतरनाक वर्ड, हाँ बिल्कुल, तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते थे, खतरनाक वर्ड जो है वो वाला आंसर है। इन विच ईयर वाज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज। वेरी गुड, सो द आंसर इज 2001 में जो पीस प्राइज गिवन हुआ वो यूएनओ को ही मिला था। वेरी गुड, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज डिड द यूएनओ हैव ऑन इट्स फॉर्मेशन इन 1945? प्रेजेंट में कितनी अभी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन आना है। अभी मुझे सिर्फ आप इतना बताइएगा कि, वैसे अगर आगे क्वेश्चन नहीं आया तो मैं खुद बना दूंगा क्वेश्चन। अभी आपने बताना कि जिस टाइम बना था यूएनओ, जब बनाया गया था, तो कितनी कंट्रीज थी टोटल। हाउ मेनी मेंबर्स कंट्रीज डिड द यूएनओ हैव ऑन इट्स फॉर्मेशन इन 1945? 1945 में, टोटल 51 कंट्रीज थी। ठीक है, सी आंसर होगा आपका, 51 कंट्रीज थी, और उसमें से इंडिया भी एक मेन मेंबर था, इंक्लूडिंग इंडिया। उस टाइम हम डेफिनेटली ब्रिटिशर्स के अंडर थे, बट हम इंडिविजुअल वे में भी यूएनओ में आते थे, यानी कि इस वजह से नहीं आते थे कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, हम इंडिविजुअली भी एक मेन मेंबर थे यूएनओ का। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डज द यूनाइटेड नेशन हैव? यूनाइटेड नेशन की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, फाइव सिक्स सेवन फोर। फाइव और सिक्स बता रहे हैं, ओके। तो देखिए, जो यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक तो अरेबिक है, चाइनीज है, एंड इसके अलावा जो है इंग्लिश है, ठीक है, फ्रेंच है, एंड रशियन है,
ठीक है, हाँ रशियन भी है और एक स्पैनिश है, सिक्स लैंग्वेजेस हैं, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन है। कल्याण जी बोल रहे हैं फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कल्याण जी, ऐसे क्वेश्चंस आपको एक पर्सन है, ठीक है, संदीप कुमार नाम है उनका, उनकी क्लासेस फॉलो करनी है आपको। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मैं ढूंढ के करवा रहा हूँ। यहाँ पे तो मैं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। आप अनअकैडमी पे आइए, वहां पे भी फ्री क्लासेस रहती हैं, स्पेशल क्लासेस। एक क्लास हो चुकी है, वहां पे मैं सब्जेक्टिव वे में, ये जो आपको एसएसबी में काम आनी है, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो सारे मैं वहां पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मंडे को फिर से क्लास है, 9 तारीख को। संडे को तो मैं क्लास लेता नहीं हूँ, मंडे को क्लास होगी हमारी, तो उसमें डिफेंस जीके पार्ट 2 करेंगे। तो मतलब उसमें सारा कुछ कवर कर रहे हैं हम, जैसे हमने पहले हमने एक्चुअल फॉर्मेशन जो है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्लोगन्स जो है, रैंक्स जो है, उनको कंपेयर कर लिया हुआ है, हेडक्वार्टर्स हैं, वो सारी चीजें हैं। अगले वाले में मोस्ट प्रॉब्ली हम इसके आगे जब बढ़ेंगे तो और चीजें करेंगे, ठीक है, कि जो मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, और नेवल शिप्स हैं, उनको हम समझेंगे डिटेल में, ठीक है। एक्सरसाइजेस देखेंगे, ऑपरेशंस हुए हैं मिलिट्री, वो देखेंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अभी मैंने करवाया नहीं है, वो भी एक क्लास होगी पूरी, यूएनओ के ऊपर एक क्लास बनती है पूरी, तो वो सारा कवर करेंगे। गुड इवनिंग ऋषभ जी, वेरी गुड इवनिंग। गौरव जी, आज के 20 क्वेश्चन हैं और कुछ मैं लास्ट में एक रिविजन करवाने वाला हूँ, तो 20 क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव में थोड़ी रिविजन करेंगे, जो जल्दी से कवर करेंगे। मैं डीपली नहीं जाऊंगा बहुत, बिकॉज वो हम कर चुके हैं, तो आज एक रिविजन टाइप हो जाएगा जो हम पहले कर चुके हैं उसका। व्हाट इज द टर्म ऑफ अ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? टर्म कितनी होती है जज की जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगा? ओके, सो 5 ईयर होती है? नहीं, डी इज द करेक्ट आंसर, 9 ईयर। ठीक है, 5 तो इंडिया में हो जाती है, तो दिस इज 9 ईयर्स। ओके, इसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना कब था? ए आंसर आएगा। ओके, सो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अक्टूबर 24, 1945 को बना था, सो सी इज द करेक्ट आंसर, अक्टूबर 24, 1945 को। हाँ, सी सही है, तो ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, और इसमें टोटल मेंबर एज ऑफ नाउ कितने? 193 मेंबर्स हैं एंड 2 ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर नेशन है, क्योंकि मुझे लग रहा है वो क्वेश्चन नहीं आएगा आगे। तो 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर नेशंस हैं। एंड नेक्स्ट बताएंगे, हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेस होते हैं? ऋषभ जी, ऐप पर रेगुलर क्लास में आपको पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है। अब कल तो संडे है, मंडे से मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। क्लासेस मेरी लॉन्च हो चुकी हैं, मंडे, ट्यूसडे अनअकैडमी पे, फिर हमारे पास जो वेडनेसडे आएगा यूट्यूब, फिर थर्सडे और फ्राइडे अनअकैडमी, सैटरडे यूट्यूब। तो वीक में 4 क्लासेस अनअकैडमी ऐप पर फ्री वाली, और 2 क्लासेस यहाँ पे होंगी, एंड बाकी प्लस पे तो 2 क्लासेस डेली होती हैं, ठीक है, 2 क्लासेस वो तो रेगुलर होती हैं। सो इट इज 15 जजेस, डी आपका बिल्कुल सही है। स्टडी हिंद जी हमारे साथ हैं, हेलो स्टडी हिंद जी, वेरी गुड इवनिंग। सो डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर आ जाएगा आपका डी, 15 जजेस होते हैं, और चीफ जस्टिस जो है ना, एज ऑफ नाउ करंट चीफ जस्टिस जो है, ये हैं अब्दुल कामी, यूसुफ, ये प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा।
ओके सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली. प्लस पे टाइमिंग ऋषभ जी, प्लस पे मेरी जो अनअकैडमी प्लस पे जो टाइमिंग होती है, मैथ्स की क्लासेस होती है मॉर्निंग में, ठीक है. मैथ्स की क्लासेस जो है वो होती है मॉर्निंग में 8 बजे. अभी उसमें हम फुल कोर्स कर रहे हैं और जनवरी में उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, मतलब 2017 के दोनों पेपर सॉल्व करेंगे, 18 के और 19 के. और इसके बाद हमारे पास 5:30 बजे जो क्लास होती है, 5:30 से 7:30 शाम को, उसमें अभी SSB की क्लासेस चली हैं और 25 तारीख के बाद उसमें हम रीजनिंग करेंगे, एफकैट रीजनिंग करेंगे. तो मेरी ये दो क्लासेस रेगुलर प्लस पे हैं, बाकी प्लस पे और बहुत सारी क्लासेस मिलती रहेंगी आपको रेगुलर बेसिस पे. स्टडी हिंद जी दंडवत प्रणाम बोल रहे हैं तो मुझे कुछ ठीक है. अच्छा 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 लिखा भी आपने ऊपर की मैं अनुराग हूँ. ओके वेलकम अनुराग जी, कैसे हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, तो आंसर आएगा हमारा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित. सो बी इज द करेक्ट आंसर, पहले जो प्रेसिडेंट बनी, ठीक है. तो ये है विजय लक्ष्मी पंडित. प्लस पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा आपके या किसी भी एजुकेटर की. ऋषभ जी आप ऐप पे जाइए, सेटिंग में जाइए, वहां पे प्रेफरेंसेस होता है एक ऑप्शन, प्रेफरेंसेस में नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करिए कि क्या क्या नोटिफिकेशन आपको चाहिए. तो आपने वो ऑफ कर रखी होगी तो ऑफ करके नहीं आएगी, तो आपको वो ऑन करनी है, देन आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलेंगी. और मेरी क्लासेस तो आप फिक्स रख लीजिए, मेरी क्लासेस का फिक्स टाइमिंग है 8 बजे मॉर्निंग में प्लस क्लास होनी ही होनी है, ठीक है. और 5:30 बजे भी होनी है प्लस क्लास, और 9 PM रात को फ्री क्लास होती है. फ्री क्लास 4 दिन अनअकैडमी, 2 दिन यूट्यूब, तो मैं उस तरह से क्लासेस कर रहा हूँ. तो 2 प्लस की क्लासेस हैं, 1 फ्री क्लासेस होती हैं, 1 फ्री क्लास है, इस तरह से है. ओके सो अब जो है अनुराग जी थोड़े लेट जुड़े हमारे साथ, तो ये हमने किए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस फॉर्म में थे, यानी कि हमारे पास डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे. और ये मैं वैसे ही मैंने क्वेश्चन एक सेशन रखा था बीच में, हाउएवर हम कंप्लीट डिफेंस जीके को पार्ट्स वाइज कर रहे हैं. मंडे को क्लास आनी है, 2nd जो क्लास आएगी डिफेंस जीके पार्ट 2, पार्ट 1 हमने कर लिया अनअकैडमी पे ही. तो आज जो है यहाँ पे हम बात करते हैं, वो जो हमने पार्ट 1 किया था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है. बस रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी में, तो आप सुनते जाइएगा और मैं आपको एक बार सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो सबसे पहले हमारे पास है इंपोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर अबाउट इंडियन डिफेंस फोर्सेस. तो सबसे पहले तो आपको पता ही कि जो हमारा इंडियन डिफेंस फोर्सेज है, इसमें हमारे पास आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स आ जाता है, ठीक है. जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, 10 मिनट में सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे एंड देन फिर हम ऑफ कर देंगे सेशन को. तो एक बार सुनते जाइएगा, हमारे पास जो डिफेंस फोर्सेज है उसमें आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स आ रहा है, जो मेन जिसमें हम डिफेंस फोर्सेज काउंट कर रहे हैं, पैरामिलिट्री को अलग रख रहे हैं फिलहाल. एंड यहाँ पे जो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज आएंगे वो कौन होंगे, वो होंगे हमेशा प्रेजिडेंट, ठीक है. जो इंडिया के जो प्रेजिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज होते हैं. पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारा रहता है वो आर्म फोर्सेस का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास रहता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिसाइड करता है कि क्या क्या होना है आर्मी में, क्या क्या चीजें रहेंगी. और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिफेंस मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारी चीजों को पार्लियामेंट में रखने के लिए. तो पार्लियामेंट में डिफेंस रिलेटेड जो भी चीजें होनी है वो डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है. और इंडियन डिफेंस सिस्टम में हमारे पास आर्मी आ जाएगा, नेवी आ जाएगा और एयरफोर्स आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा डिवाइड करें इनको, तो इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी डे हम ऑब्जर्व कब करते हैं, सबसे पहले अगर हम समझें तो 15 जनवरी 1949 को ऑब्जर्व करते हैं. हाउएवर हमारा जो आर्मी है वो बहुत पुराना है, वो ब्रिटिशर्स के टाइम का बना हुआ है. बट आफ्टर दैट जो है, क्योंकि 15 जनवरी को क्या हुआ था, ठीक है, 15 जनवरी को हम क्यों आर्मी डे जो है वो मनाते हैं, बिकॉज लेफ्टिनेंट जनरल जो बाद में फील्ड मार्शल भी बने, KM करियप्पा, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा जो है, उन्होंने चार्ज लिया था कमांडर इन चीफ जो थे, ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जो थे इंडिया में,
जिनका नाम था फ्रेंसिस बचर, उनसे उन्होंने चार्ज लिया था। यानी कि एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये वो दिन था 15 जनवरी 1949 का, जब पूरा आर्मी का जो चार्ज है वो इंडियन कमांडर के पास, यानी कि इंडियन मार्शल, फील्ड मार्शल के पास आ गया था। फील्ड मार्शल वो बाद में बने, उस टाइम वो लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो उस दिन को याद करने के लिए 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। और हमारी इंडियन आर्मी का जो मोटो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ हमारा मोटो है। इसके बाद इंडियन नेवी डे आता है, तो इंडियन नेवी डे जो है ये 4 दिसंबर 1971 को हम मनाते हैं। और इसके पीछे भी रीजन है, नेवी भी हमारी बहुत पुरानी है, ठीक है, नेवी हमारी भी अराउंड 1776 में हमारी नेवी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, बट वो भी हम काउंट नहीं करते हैं। हम 4 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं 1971 को, बिकॉज इस दिन जो है, जो ये हमारा ऑपरेशन हुआ था 1970 इंडो पाक वॉर चल रहा था, तो जो ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था उस दिन सक्सेसफुल हो गया था, तो उसके सक्सेस को कॉमेमोरेट करने के लिए हम 4 दिसंबर 1971 को नेवी डे मनाते हैं। और जो मोटो है इंडियन नेवी का ये है शमा नो वरुणा, ठीक है, शमा नो वरुणा, यानी कि हम प्रार्थना करते हैं इंद्र देवता से एक तरह से कि शांति बना रखें, तो ये एक तरह से। एंड इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो 8 अक्टूबर 1972 को, तो ये हमारा 8 अक्टूबर 1972 को ही है। और टचिंग द स्काई विद ग्लोरी हमारा मोटो है इंडियन एयरफोर्स का। फिर इसमें कोस्ट गार्ड भी आ जाता है, जो प्योर डिफेंस तो नहीं है बट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आता है। तो कोस्ट गार्ड जो है वो 1 फरवरी 1977 जो है हम फॉर्मेशन डे भी है, और इसका मोटो है वी प्रोटेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे मेन जो 4 बोल सकते हैं कि पिलर्स हैं, जिसमें से 3 मेन है और एक हमारा लगभग सेम ही है बट थोड़े से डिफरेंसेस रहते हैं कोस्ट गार्ड में, तो वो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और जो चीजें हैं वो आप याद रख सकते हैं, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है 27 जुलाई 1939 इनका फॉर्मेशन डे है। और पीस कीपर टू द नेशन, ठीक है, पीस कीपर टू द नेशन क्या है फॉर्मेशन सॉरी मोटो है। फिर आता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1 दिसंबर 1965, कर्तव्य जीवन पर्यंत, ठीक है, ड्यूटी अनटू डेथ इनका मोटो है। टेरिटोरियल आर्मी 9 अक्टूबर 1949, ये जो है हमने नोट नहीं करा था, एक बार कमेंट कर दीजिएगा अगर किसी को अभी याद होगा टेरिटोरियल आर्मी का मोटो। फिर है हमारे पास ITBP, तो ITBP का हमारे पास जो 24 अक्टूबर है फॉर्मेशन डे है। मोटो आप जरूर याद रखिएगा, वेलर स्टेडफास्टनेस एंड कमिटमेंट। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो CISF है 10 मार्च, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मोटो है। सहस्त्र सीमा बल 20 दिसंबर सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, SSB जो सशस्त्र सीमा बल है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स 15 जुलाई को, और यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हमने अभी भी किया था, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा 30 मार्च फॉर्मेशन डे। इसके बाद मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, जिनका है हमारे पास 1 अक्टूबर और सर्विस विद अ स्माइल, ये इनका मोटो है। एंड NDRF, ओके, सो TA का जो टेरिटोरियल आर्मी का जो हमारे पास रहेगा टेरिटोरियल आर्मी का मोटो जो है ये है विजिलेंस एंड वेलर, एंड साथ में ये नोट कर लीजिएगा आप। और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है 2006 में बनी थी, इसका भी आप एक बार कंफर्म कर दीजिएगा डे कौन सा होगा। एंड द मोटो इज सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड, ठीक है, सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड, तो ये भी आप एक बार नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास आर्मी के जो कमांड्स हैं, 7 कमांड्स हैं, वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, नदरन कमांड है, सदरन है, सेंट्रल आर्मी ट्रेनिंग कमांड है और साउथ वेस्टर्न कमांड है, तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा कि ये आपके पास कमांड्स हैं। PDF आपको यहाँ पे तो मुझे क्लियर नहीं है कि आपको PDF किस तरह से मिल सकती है, मिलेगी नहीं मिलेगी, बट अगर आप सेम PDF चाहते होंगे तो आप अनअकैडमी पे आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मेरी प्रोफाइल का लिंक होगा, और मेरी प्रोफाइल पे अगर आप जाएंगे वहां पे, जब आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे अनअकैडमी पे, तो वहां पे स्पेशल क्लासेस वाले सेक्शन में सबसे ऊपर स्पेशल क्लासेस ही होती हैं, उसमें आपको एक क्लास मिलेगी डिफेंस जीके Part 1, वहां पे आपको ये PDF भी मिल जाएगी। तो ये कमांड्स हैं, वहां से आपने डेफिनेटली डाउनलोड कर लेने हैं, जो अनअकैडमी से नहीं आए होंगे, जो यूट्यूब पे ही होंगे, तो एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा जो है कोस्ट गार्ड के भी हमारे पास डेफिनेटली यहाँ पे
अलग अलग कमांड्स हैं वो भी आप देख लेंगे। इसके बाद है जो ऑफिसर रैंक्स हैं, तो आप देख सकते हैं जो इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट से हम स्टार्टिंग करते हैं, और इंडियन नेवी में सेकंड लेफ्टिनेंट से स्टार्टिंग करते हैं, और इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन करा था वो मैंने करा था कि जो इंडियन नेवी का कैप्टन होते हैं वो आर्मी में किसके बराबर है, वो कर्नल के बराबर है, ठीक है, और एयरफोर्स में वो ग्रुप कैप्टन के बराबर है। तो ये क्वेश्चन रखा था, ठीक है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन रैंक आता है, कैप्टन के बाद और प्रमोट होकर आप मेजर बनेंगे, देन लेफ्टिनेंट कर्नल बनेंगे, फिर कर्नल बनेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आप ब्रिगेडियर बनेंगे, देन आप मेजर जनरल बनेंगे, देन लेफ्टिनेंट जनरल बनेंगे, एंड द लास्ट वन इज जनरल। तो ये कुछ पोस्ट रहती हैं, और एज ऑफ नाउ तक कर्नल रैंक जो है वहां तक आप डेफिनेटली जो है सॉरी लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो आप डेफिनेटली जाएंगे जाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं, कर्नल रैंक तक आप चले जाते हैं, कर्नल रैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कितनी है, एंड वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपको रैंक मिल जाता है, अदरवाइज रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ तक तो आप पहुंच ही जाते हैं, उसके बाद डिपेंड करता है, एक तो वैकेंसी होनी चाहिए, ऊपर से आपका डेडिकेशन। फिर नेवी में अगर हम बात करें तो सेकंड लेफ्टिनेंट से आप स्टार्ट करेंगे, देन लेफ्टिनेंट कमांडर, उसके बाद आप कमांडर बनेंगे, देन कैप्टन, और फिर कॉमोडोर, रियर एडमायरल, देन एडमायर, वाइस एडमायरल, और लास्ट एडमायरल होगा। तो यहाँ पे आपको ये रैंक तो एटलीस्ट अच्छे से याद होने चाहिए, सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एफकैट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और वैसे भी आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं कि कौन सा रैंक है और किस तरह से आपकी प्रमोशन रहनी है। एयरफोर्स में आपके पास रैंक जो है वो डेफिनेटली देख सकते हैं आप, फ्लाइंग ऑफिसर के बाद आप फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बनेंगे, फिर स्क्वाड्रन लीडर बनेंगे, विंग कमांडर बनेंगे, फिर ग्रुप कैप्टन, देन उसके बाद अगेन जो है डिपेंड करेगा वैकेंसीज के ऊपर, तो एयर कॉमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एंड देन एयर मार्शल, एंड देन एयर चीफ मार्शल। तो ये आपके पास सिचुएशन रहेगी, तो आपने ये डेफिनेटली याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास जो बिलो ऑफिसर रैंक होते हैं वो भी मैं आपको एक बार कंफर्म कर देता हूँ। तो बिलो ऑफिसर रैंक जो है हमारे पास किस तरह से है, सिपाही से स्टार्ट करते हैं आर्मी में, उसके बाद लांस नायक बनते हैं, ठीक है, लांस नायक हनुमान थप्पा आपको याद होंगे जो बर्फ में काफी दिन सर्वाइव किए थे, उसके बाद नायक बनेंगे, उसके बाद हवलदार, एंड देन नायब सूबेदार, देन सूबेदार, एंड देन सूबेदार मेजर। तो जो आप लेफ्टिनेंट बन रहे हो, जो आप सभी प्रिपेयर कर रहे हो ऑफिसर रैंक के लिए, तो लेफ्टिनेंट जो है वो सूबेदार मेजर से ऊपर का रैंक है। तो डेफिनेटली आप एक रैंक ऊपर, मतलब आप ये जो बिलो ऑफिसर अदर रैंक है, इनको हम ओआर भी कहते हैं, अदर रैंक्स। वैसे ओआर जो है हमारे पास यहाँ हवलदार तक के रैंक ओआर होते हैं, अदर रैंक, इसके बाद जूनियर कमीशन ऑफिसर हो जाते हैं, यानी कि नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर जूनियर कमीशन ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो कमीशन ऑफिसर है वो लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होते हैं। इसमें फिर नेवी में भी आपका सीमैन है, लीडिंग सीमैन है, एबल सीमैन है, पैटी ऑफिसर, चीफ पैटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर, एंड मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर ऑफ फर्स्ट क्लास, ऐसे ही रैंक इंक्रीज होते हैं। और एयरफोर्स में जो रैंक है ये है एयरक्राफ्ट्समैन, लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन, और कॉर्पोरल, और सर्जियंट, जूनियर वारंट ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, एंड मास्टर वारंट ऑफिसर। तो ये कुछ रैंक है, और रैंकिंग से रिलेटेड थोड़ा सा अगर मैं आपको और बताऊं जो आपके पास रैंक्स रहते हैं, समटाइम क्या होता है कि जो रैंक इंक्रीज होते हैं वो किसी के बहुत जल्दी हो जाते हैं और किसी के थोड़े लेट रहते हैं। तो इट डिपेंड्स, एक्चुअल में ये इंडिविजुअल सर्विस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी उसके बाद आप एक यूनिट में जाओगे, ठीक है, तो आपकी जो यूनिट होगी वो एक फुल फ्लेज्ड यूनिट होगी, जहां पे इनफ नंबर ऑफ बोल सकते हैं, अगर मैं स्टार्टिंग करूं तो इनफ नंबर ऑफ एक तरह से कम 2-3 मेजर उसमें जरूर होंगे, हो सकता है अगर बड़ी यूनिट है तो कर्नल भी उसमें डेफिनेटली होंगे, वैसे अगर छोटी यूनिट होगी तो मेजर जो होते हैं वही कमांडिंग ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक कमांडिंग ऑफिसर होते हैं आपके पास और वो जो है वो डील करते हैं डेफिनेटली सारी चीजों को। बट अगर बड़ी यूनिट है तो लेफ्टिनेंट कर्नल तक आपको एक ही यूनिट में मिल जाते हैं, समटाइम कर्नल भी मिल जाते हैं, कर्नल जो है वो कमांड कर रहे होते हैं। तो कर्नल रैंक तक तो आपको यूनिट में मिल ही जाते हैं, कर्नल, फिर कुछ लेफ्टिनेंट कर्नल होंगे वहां पे, मेजर होंगे काफी सारे,
कैप्टन तो आपको एक यूनिट में 10-12 भी मिल सकते हैं, ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेफ्टिनेंट और ज्यादा होंगे, ठीक है। और उसी अगर आप बात करेंगे वहां पे आपको सूबेदार मेजर भी काफी मिलेंगे, तो उस सभी को मिला के और सिपाही तो उसमें बहुत ज्यादा होंगे, तब जाकर एक यूनिट बनती है। तो जो प्रमोशन होती है वो अगेन डिपेंड करती है कि जो ऊपर जो रैंक था उसमें से कितने आपके पास जो है वो रिटायर जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जो थोड़ी पुरानी होती हैं, वहां पे रिटायरमेंट केसेस ज्यादा होते हैं कि ज्यादा लोग रिटायर होने हैं, तो प्रमोशन जल्दी हो जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो न्यू होती है, तो वहां पे प्रमोशन धीरे धीरे होता है, तो वो भी थोड़ा डिफर करते हैं। और एक होता है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डेफिनेटली चेंज होना ही है, यानी कि जिसकी 2 साल सर्विस हो गई पूरी, तो फिर वो लेफ्टिनेंट से आगे चले जाने, कैप्टन बन जाने, कैप्टन से फिर आगे और 4 साल कुछ इस तरह से सर्विस, तो 2 तरह से आपकी रैंकिंग इंक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ चीजें थी, और बाकी जो है अनअकैडमी प्लस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, आप सेशन के शुरू में भी देख सकते हैं। कुछ भी डाउट होगा अनअकैडमी प्लस से रिलेटेड मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे प्रोफाइल पे जाइए अनअकैडमी पे और मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और करियर स्टडी डिफेंस -7179 कोड आप याद रख सकते हैं, एंड क्रेडिट आप अपने यूज कर सकते हैं व्हाइल परचेजिंग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अगर कंपेयर करें ऑफलाइन कोचिंग से तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, अगर आप कोचिंग के लिए सोच रहे होंगे तो उससे वे बेटर ऑप्शन है आपके पास अनअकैडमी प्लस। तो फिलहाल जो है कल संडे है, तो कल तो मेरी कोई क्लास नहीं होनी है, बट मंडे को मॉर्निंग में 8 बजे मेरी मैथ्स की क्लास होनी है, जहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं सुबह 8 बजे, और शाम के टाइम हमारा जो कोर्स चल रहा है वो SSB का चला है, 5:30 बजे मेरी क्लास है। एंड देन थर्ड जो हमारी क्लास होनी है वो होनी है डिफेंस जीके पार्ट 2 ऑन अनअकैडमी, ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर। तो ये कुछ क्लासेस रहेंगी, एंड आई होप कि आप इन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी फिर मैं इस सेशन को ऑफ करता हूँ, एंड आई होप कि आपने एंजॉय करा होगा सेशन को। और कुछ भी डाउट्स आते हैं मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपके जो डाउट्स होंगे वो हम क्लियर कर देंगे उसी तरह से। और आज की क्लास में थोड़े से कंफ्यूजन जरूर रहे थे, बिकॉज क्लास की हेडिंग कुछ और दे दी गई है, टॉपिक कुछ और था, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट लेट्स सी, आई होप आपने एंजॉय करा होगा। हेडिंग कुछ भी हो बट आपने कंटेंट को एंजॉय करा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम करते हैं इस सेशन को ऑफ, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, जहां पे हम कुछ नई चीजों को कवर करेंगे, नए टॉपिक को कवर करेंगे। तो तब तक सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, लाइक जरूर कर लीजिएगा जाने से पहले, ठीक है, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। और बाकी सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, गुड नाइट एंड जय हिंद।